हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैं आ चुकी हूँ जिम नहा धो के। भाई जिम आ गई। एक्चुअली मेरे को बैठे बैठे मैं सोचा क्या ही करें, तो जिम ही चलते हैं, बॉडी बॉडी फिट करते हैं। तो भाभी तो आई नहीं, वो तो अभी तक सो रही है, 7 बज गए। बट एंड भाई चला गया नहा धो के ड्यूटी, एंड मैं नहा धो के इधर आ गई। भाभी को नहीं आना था, तो उन्होंने बोला शायद वो कल आएंगी, तो मैं अकेली आ गई। अपना स्टैंड वगैरह, फ़ोन वगैरह सब लेकर आ गई वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। एंड यहाँ पर मेरे को आके पता चला कि यहाँ पर कोई है नहीं। एक्चुअली हमारे पास में एक दूसरा जिम भी है जो कि 9 बजे खुलता है, बट मैं पार्क वाले जिम में आ गई क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट खुला ही रहता है पूरे दिन ही। तो मैंने सोचा 9 बजे कौन जाएगा, 9 बजे बाद में एक्चुअली हम कोई काम भी करने लग जाते हैं, बाद में खाना वाना हमारा आज हीटर आ जाएगा तो खाना वाना हो जाता है। उसके बाद हम स्टडी भी करते हैं थोड़ी। मैं अपनी किताबें वताबें लेके आई थी साथ में, तो मैं यहाँ पर आ गई जिम करने के लिए। मैंने सोचा वो तो 9 बजे खुलेगा तो भाई लेट हो जाएगा, बट उधर से अलग से जिम है, बट मैं बाद में पार्क वाले में आ गई। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो एवरीबडी। ईट कर लिया है मैंने, पूरे 1 घंटे जिम किया है। एंड यहाँ पर जिम वगैरह ख़त्म करके अब मैं सीधा अपने रूम पे जाऊँगी। देखते हैं भाभी उठी कि नहीं उठी। आई थिंक अब तक तो उठ गई होगी, पक्का उठ ही गई होगी। तो मेरे को एक्चुअली भाभी, मैं आई थी तब भाभी उठी हुई थी, बट वो बाद में वापस सो गई, उनको नींद आ रही थी इसलिए। तो उन्होंने बोला कि आते वक्त आटा देख के आना कि पिसा कि नहीं। तो आई थिंक आज हमारा हीटर आ जाएगा, कब तक आए। आई थिंक आज का नाश्ता तो हमें बाहर से ही लेके आना पड़ेगा, हम जब से आए हैं बाहर से ही खाना खा रहे हैं, बाहर से ही नाश्ता कर रहे हैं। तो आज का नाश्ता तो हमारा बाहर का ही होने वाला है, उसके बाद हमारा हीटर आ जाएगा तो हम खाना घर पे ही बनाएंगे भाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं पूरे दिन में क्या क्या करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए। सो गाइज मैं पहले तो आटा लेके जाऊँगी, अगर पीसा है तो, नहीं वरना मैं सीधा घर पर ही जाऊँगी। सो आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं। मैं आ गई अपने रूम पे, एंड रूम पे आके मैंने एक ग्लास पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ी देर में भाई आ गया। भाई इडली डोसा लेके आया है नाश्ते में, आज इडली डोसा लेके आया है। कल तो हमने एक्चुअली मल्लू पराठे वगैरह खाए थे, एंड कभी छोले भटूरे खाते हैं, आज इडली डोसा खाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करें, आप वीडियो को देखते रहिए। तो मैं थोड़ा बाइक पे घूम के आएंगे गाइस अभी। ये रही मेरी बाइक, बोर हो रहे थे इसलिए सोचा थोड़ा बाइक पे घूम के आए गाइस। मैं 1 किलोमीटर बाइक चला के आ गई, एंड अब मेरे को रास्ता नहीं मालूम किधर जाना है। पहले मैं इधर जा रही थी पीछे, एंड अब मेरे को लग रहा है आगे जाना है शायद, तो मैं आगे निकलती हूँ वापस। मैं एक्चुअली चलती बाइक में वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि मेरे को इतनी आ नहीं रही है, नहीं फौजी एरिया। सो गाइस अभी मैं जाऊँगी वापस रूम पर, आई थिंक यही रास्ता है मेरे रूम, पता नहीं चल रहा मैं आगे। भाई ने पहले ही बोला था कि रास्ता देख के जाना। सो चलते हैं गाइस। ये आ गया हमारा खाना, एंड भाई तो पहले ही खा के आया है। इधर भाभी भी काम पे लग चुकी है। मेरी खाने पे कैंटीन, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करके लेके आएंगे। भाभी लगता है पूरे बैग को भर के लेके आएगी। बड़ा सारा बैग ले लिया इन्होंने, कैंटीन को लूटने का इरादा है पूरी कैंटीन। और हमारा हीटर भी आ चुका है, अब हम बहुत आज खुश हैं। आज का खाना हम उसी पे बनाएंगे। इतने खाना नहीं बना तो हम ऐसे ही आग लगाने वाले हैं। इतने दिन से हम बाहर का ही खाना खा रहे थे, सो आज हम घर की रोटी खाएंगे। भाभी बनाने वाली है खाना। फिलहाल तो हम शॉपिंग करके लगे हैं। मेरी को कढ़ाई तो साफ करेगा। सो गाइस अच्छा लगे, कैंटीन बंद है, भाई ने बोला था खुली है, तो अब इसकी होगी खाली टाइम में धुलाई। क्योंकि हमें इतनी दूर पैदल लेके आया है, एंड आगे आगे पता चला कि कैंटीन बंद है, तो अब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स, थोड़ी उससे शॉपिंग करेंगे, वहाँ से शॉपिंग करने वाले हैं हम थोड़ी।
चुके हैं कॉम्प्लेक्स में, यहाँ से हम करेंगे शॉपिंग मसाले वगैरह की। हम चीनी लेंगे, हल्दी मिर्च ले ली है भाभी ने, ये हमने ले ली है चीनी। दाल तो एक्चुअली हमारे पास है इसलिए हमें दाल नहीं लेनी। हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, अब हम जाएंगे अपने रूम पे सीधा। हमारा हीटर भी आ चुका है एंड एक्चुअली हमारे राजस्थान से ही है ये भैया, हमारे राजस्थान से है। शॉपिंग कर है, यहाँ पर चिकन बनता है। भाई का नॉन वेज खाने का मन कर रहा है बट हम इसको खिलाएंगे नहीं। सो अब हम जाएंगे सीधा अपने रूम पे, आप वीडियो के एंड तक देखते रहेंगे। बाद में हम थोड़ा पार्क में जाके आएंगे क्योंकि वहाँ पर भी हमें हमारे राजस्थान से महिलाएं मिली थी कल, तो वो आज और आने वाली है। यहाँ पर झाड़ी मिल गई भाई, झाड़ी के पेड़ पर आम ढूंढ रहा है। कैंटीन तो भाई खुली है नहीं, तो क्या ही करें, क्या करें, फिर कल आना पड़ेगा, कल फिर से आना पड़ेगा। अब ये साथ में नहीं आने वाला मेरे को पता है, तो हम मैं और भाभी आने वाले हैं यहाँ पर। हीटर गाइस बढ़िया चल रहा है एकदम, इसमें पानी गर्म हो रहा है, कितनी देर तक होगा, एकदम रेड हो गया है। ये गाइस यहाँ पर भाई इस पे पापड़ सेक रहा है। बंद कर दीजिए इनका, थोड़ा बच जाएगी पच्ची रूठ जाएगी। ओके ठीक है हो गया। सो गाइस हमारे हीटर पे खाना बन के रेडी हो चुका है। आज हम कई दिनों के बाद में घी वाली रोटी खाएंगे एंड हम दही जो कि बाहर से लेके आए थे बट कल हम दूध लेके आएंगे तो उसका जमाएंगे। स्टार्ट करते हैं, बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।